जिस एज में मैं हूँ उसमें हम स्टार्टिंग से एज अ वुमेन पहले अपने फादर्स पे डिपेंडेंट, देन हस्बैंड पे, एंड शायद अब आगे हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. तो आई कैन हैप्पीली से कि नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, कि ठीक है यार मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकती हूँ, कि मैं अब इतनी डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मुझे किसी से पैसे चाहिए, मुझे किसी से टाइम चाहिए है. और आई एम इंजॉइंग माई लाइफ और अपने हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ. माई नेम इज़ रिचा सहानी. मैंने अपनी कंपनी स्टार कंज्यूमर अभी स्टार्ट करी है 2 ईयर्स बैक. उससे पहले मैं एक हाउसवाइफ थी एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ मैं भी कोई बिज़नेस कर सकती हूँ. बट अपने हस्बैंड की सपोर्ट से जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत छोटी सी एक कंपनी थी. मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप कुछ करना चाहती हो, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. तो पहले तो ऐसे कि हाँ ठीक है कर लूँगी शॉप में. इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत लड़ाई हो जाती थी समटाइम, क्योंकि मैं उस चीज़ को उतना मैनेज नहीं कर पाती थी. तो वो हमेशा कहते थे ये प्रोफेशनल काम है, ऐसे घर की तरह नहीं चलेगा. तो वो शायद शुरू में एक हर्डल्स रही. तो मुझे लगता था कि यार हमारे तो ऐसे हमारे आपस में बहुत डिफरेंसेस आ जाएंगे बिकॉज हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं. बट धीरे धीरे मैं उनके अकॉर्डिंग हो गई और उन्होंने भी खैर बहुत कॉपरेट किया मेरे साथ. बाद में समझाते रहे मुझे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और उनकी हेल्प से मैं आगे आगे ये सब कुछ करती चली गई. 10 लेडीज़ थी मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया था, एंड आज मेरे पास 70 लेडीज़ हैं जिनको मैं, और ये चाहती थी कि मेरी कंपनी में वुमेन से काम, वुमेन ही काम करें, कि ये ना हो कि हाँ मेल एंड फीमेल दो, क्योंकि मैं वुमेन को वो करना चाहती थी. एंड हमारे गांव में है तो गांव की लेडीज़ जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी उनके लिए कंपनी का काम करना, एंड आज वो लोग जबकि एजुकेटेड नहीं है बट फिर भी पूरे डिस्पैचेस एंड सब कुछ वो लोग कर पाती है. तो एक वो मुझे और अचीवमेंट अपनी लाइफ में लगती है कि जो कभी घर से घूंघट से बाहर नहीं निकली थी आज वो लोग अपनी पूरे मेरी कंपनी को संभालती हैं. मुझे लगता है कि जिस एज में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उस एज में शायद हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो हमारी लाइफ का हाफ पोर्शन निकल चुका है. बट मैं अपनी एज के सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए. बिजनेस एंड जॉब एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू आप करो, बिकॉज आपको एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है अपनी लाइफ का कि हाँ यार आप लाइफ में कुछ कर रहे हो. कई बार हम एज को सोच के कि यार अब क्या करना है, छोड़ो अब तो ऐसा हो गया, बट आई थिंक उसको मतलब हमें किनारे रखते हुए सोचना, अपने लिए सोचना चाहिए एंड अपने लिए करना चाहिए एंड अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम और अच्छे से उसको जी पाते हैं.